Hi, this is my wish for the... Hello, my name is Prof. आज ये दिमाग की बत्ती का सवाल है कि धुआं में मेरे कैरेक्टर का क्या नाम था, सहरा, सारा या सहर? दिल किया मैं भी बाल बाल डाय मेरे हुए और ये वो मैं तो यंग लगूं, बहुत सारे लोग होते हैं, हालांकि आप मुझे आप लगते हैं माशाल्लाह आप सब ज्यादा ग्लैमरस ग्रेसफुल आपकी पर्सनालिटी है, बट स्टिल वो कितने डिफरेंट है आप 80s में। असल में नादिया होता ये है कि इंसान जो अट्रैक्ट करता है दूसरे शख्स को उसकी अपनी क्वालिटीज होती है, गुफ्तगु होती है, करिश्मा होता है, और आई थिंक बाल का जो रंग है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It really doesn't matter. मेरे salt and pepper थे, कहीं पे जरा white हो जाते हैं ज़्यादा, but it's perfectly alright. मगर strangely जो roots होती हैं, वो मेरी black होती है। तो वो कहते हैं कि 100 साल के बाद वो सांप नई जिंदगी आती है ना, तो लगता है कि वो बात भी सही कि 100 साल के बाद जो है वो फिर से इंसान जवान होता है। Anyway, हम बात कर रहे थे कि कभी भी इंसान बुरा नहीं होता, उसके बिहेवियर बुरा होता है। और कल के वाक्य पे भी आप इसमें जी, मैं बड़ा हैरान हुआ, बिल्कुल कल इतना तवा हंगामा, इतना, और मतलब वो पता है कि वो लोग सोच के आए थे कि हमने कोई पर्सनल बात नहीं करनी, फारूक मेंगल और नूर, मैं भी, मुझे भी था कि मैंने कोई पर्सनल बात नहीं करनी, काफी चीजें कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है, तो लेकिन देखे सोचा कुछ और हो कुछ गया कल, क्योंकि आई नो कि विकी इतना बुरा नहीं है इंसान, इज वेरी डिसेंट, बड़ा स्वीट सा। नूर भी सोच के आई थी, लेकिन अब सोच के वो ये आई कि मैं विकी से बात करूंगी, बैठ के बात करते हैं, और मुझे पछला कि वो नीचे बैठी थी और वो रो रही है काफी देर से, वो उसका उसको ऊपर नहीं आने दे रहा था, तुम हिलोगे नहीं यहां से, मैंने पुलिस को बुलाया, मैंने CID को बुलाया, अब वो बात नहीं कर रहा, और वो एक उसको ना हरास किया, बिल्कुल धमकी देना या बीवी हो जो भी हो, फिर बड़ा अगली सीन हो गया कल, आप न्यूज पे भी देखते रहे सब। तो डॉक्टर साहब आप इसको क्या कहेंगे कि एक रिश्ता 6 साल एक लड़का लड़की मोहब्बत की शादी में साथ रहे, अब खत्म हुआ जो भी हुआ उसमें इतनी अग्रेशन और इस तरह का पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एंगर। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, समझाना चाहता हूं, जब आप किसी शख्स से बहुत मोहब्बत करते हैं, बेतहाशा वालेहाना प्यार करते हैं, दीवानगी और जुनून के तक मोहब्बत करते हैं, तो नफरत, शदीद नफरत उस मोहब्बत के पीछे छुपी हुई होती है। इट इज कहते हैं कॉइन की तरह है, कॉइन का एक हिस्सा मोहब्बत, दूसरा हिस्सा नफरत। तो जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं उसी से नफरत करेंगे आप, आम चलते हुए रास्ते पे आदमी से आप नफरत नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि आपका सबसे ज्यादा दिल वो शख्स दुखाएगा कि जिससे आपने बहुत प्यार किया होगा। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे भी यही हुआ कि मोहब्बत थी, इंटेंसिटी थी बहुत ज्यादा, किसी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हुए, डिस्प्यूट्स हुए, या कोई भी वजह होगी, तो वही मोहब्बत जो है वो नफरत में बदल जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि नफरत और मोहब्बत में एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि नफरत अगर आपको किसी से है तो भी आपका एक बंधन है उसके साथ, मोहब्बत है तो भी बंधन है, तो नफरत भी ना करें, क्योंकि नफरत का मतलब ये है कि आपने बॉन्ड रखा हुआ है, उस बॉन्ड को तोड़ दें ताकि नफरत खत्म होगी तो आप उस शख्स से डिटैच हो गए। क्या बात है, फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली बात, वो बंधन को तोड़ना कितना मुश्किल काम है, और हम समझते हैं कि जिससे हमें अगर तकलीफ पहुंची है तो उससे इतनी नफरत करो कि वो दूर हो जाए, हमें याद ना, फिर हम उसको देखें तो एक नेगेटिव सी फीलिंग आए, ये हमें लगता है कि हम अपने प्यारों को दूर करते हैं जब करना पड़े या कोई डिसअपॉइंट करे तो टूट के नफरत करो। अच्छा, कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं। फीलिंग जो है ना वो आपके अंदर नफरत की पैदा होती है। देखिए कहते हैं कि ये इस तरह है जैसे आपने डिसाइड किया कि मैं अपने दुश्मन के ऊपर अंगारा फेंकूंगा, तो उस अंगारे को पहले अपने हाथ में लेना पड़ता है, पहले आपका हाथ जलता है फिर दुश्मन को जाके लगता है। तो नफरत में, हसद के अंदर सबसे पहले आपको तकलीफ पहुंचती है। अच्छा, ये इंसानी रिएक्शन बड़ा कॉमन है, किसी बात पे गुस्सा आता है। हजरत अली का एक बहुत खूबसूरत कॉल है, अक्सर मैं कहता हूं लोग समझे इन चीजों को, कहते हैं कि इंसान धोखा नहीं देते, इंसान आपको दुख नहीं देते, उनसे वाबस्ता आपकी जो
अटैचमेंट्स होती है और एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो आपको दुख देती है। तो दो रिश्तों में क्या हुआ, मर्द औरत का रिश्ता, इसकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी, तवक्कोआत थी, उसकी तवक्कोआत थी, तो अब जब तवक्कोआत पूरी नहीं हुई होती एक दूसरे की तो फिर दुख पहुंचता है। तो देखिए तवक्कोआत इंसान के अंदर होती है, इंसान नहीं होती। तो आपने किसी शख्स ने अगर आपकी तवक्कोआत पूरी नहीं की तो आप उसको क्वेश्चन करें, उससे लड़ें इस तवक्कोआत के ऊपर, ना कि उस इंसान के ऊपर। हम प्रत्येक करते क्या है, हम लोगों की इंटेग्रिटी पे हमला करते हैं। मैं एक मिसाल दूं, आपका इतने सारे लोग आपके साथ काम करते हैं, राइट, और ये देखें लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस की एक फील्ड है पूरी। आपका एक डायरेक्टर है, आपको आपने कोई काम दिया, वो आया, आपने पूछा कि भाई क्या हुआ, उसने कहा जी नहीं हुआ काम। तो आप पूछेंगे क्यों नहीं हुआ, उर्दू में क्यों, अंग्रेजी में वाई। ये वाई और क्यों बंद कर दे अपनी जिंदगी में, कम कर दे, एक बट और एक वाई, और नो, नो भी बंद कर दे। मगर किस तरह, अगर जब आप वाई कहते हैं कि वाई काम क्यों नहीं हुआ, तो इसका मतलब है आप उसकी नियत को, उसकी इंटेग्रिटी को डाउट कर रहे हैं कि उसने जानबूझ के काम नहीं किया। उसके अगेंस्ट आप ये सवाल अगर पूछें कि किस चीज ने रोका तुम्हें काम करने से, इसका मतलब है तुम करना चाहते थे, कोई एक्सटर्नल फैक्टर था जिसने तुम्हें रोका। अगर मैं ये फैक्टर हटा दूं, ये प्रॉब्लम हटा दूं, इसका मतलब मुझे यकीन है तुम काम कर लोगे। इससे जो बॉन्ड बनता है ना लोगों के साथ, जिनके साथ आप काम करते हैं, वो रिमार्केबल बॉन्ड, वो यही फर्क होता है ना। जो आप कहते हैं जो तरीका बात करने का अच्छा है, जब वो बात करते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा आप ये बताएं डॉक्टर साहब, कि जो ये तीन इसमें बड़े इन लोग इन्वॉल्व थे, बल्कि चार, एक नूर के एक्स हस्बैंड जो उनका बिहेवियर था, और भाई जो ऐसे गार्ड बन के खड़े हुए थे, क्रॉस नहीं करने दे रहे थे, नूर को ऊपर नहीं जाने दे थे। और मुझे कुछ लोगों ने कहा मेल करके कि जी वो तो बात ही करना चाहते थे, बिल्कुल बात करें। मैं भी गई तो मैं कहा बात कर लो, बैठ जाओ, नहीं ये हिलेगी नहीं यहाँ से, उसका हाथ पकड़ के यहाँ से हिलेगी नहीं, जाएगी नहीं। मैं कहा नहीं, उसको शो करने हमारे वीजा पे आई है, नहीं मेरे वीजा, मैं कहा तुम्हारे वीजा पे नहीं है, ये हमारे वीजा पे, इसको ऊपर जाने दो, और इस तरह हाथ नहीं पकड़ो, बदतमीजी ने। जब उसने कहा ना हाथ नहीं छोड़ूंगा, दूसरा बंदा आके खड़ा हो गया उसको पकड़ने, वो मेरी खोपड़ी घूम, मैं कहा नहीं हाथ नहीं तुम इसको लगाओगे, क्यों नहीं जाएगी, तुम वेट करो जब शो करके आती, बात कर लेना। यही अगर अब ये आप बताएं डॉक्टर साहब, इसमें ये इसको कैसे बिहेव करना चाहिए था, इसको बीवी से बात करनी थी, नूर को कैसे बिहेव करना चाहिए था, मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए था जो मैं आई और मैं गुस्से में आके फिर मैं उसको लेके गई, और जो लोग वहां खड़े थे जो कि गुस्सा तो उनको आ रहा था मेरी टीम को, लेकिन उनको ये था कि यार है तो इसकी बीवी, अभी रोके तो पढ़ भी सकती हैं, और किसी की बीवी के लिए आप यू नो हमारी सोसाइटी में कोई किसी के हस्बैंड को कैसे बात करें, तो वो भी अगर आदमी जात तो हम किस तरह करें। तो इन चारों को एक्चुअली बताएं कैसे बिहेव। पहले देखें विकी का रिएक्शन बड़ा नॉर्मल और बड़ा नेचुरल था, वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये उससे दूर हो जाएगी या अलग हो जाएगी, पाकिस्तान चलेगी, चली जाएगी, खुला की बात करेगी वगैरह वगैरह, तो उसका रिएक्शन बड़ा नॉर्मल था। नूर से गलती ये हुई कि जब कभी आप ये डिसीजन लेते हो अलग होने का, देखिए दुनिया में लोग मिलते हैं अलग हो जाते हैं, मोहब्बत और बॉन्ड जो है वो ना टूटना चाहिए। यानी मैं ये कहता हूं कि अगर मैं आज आपसे अलग हो जाता हूं तो कल अगर मैं आपसे मिलूं तो कम से कम मैं आपको सलाम कर सकूं, आप मुझे सलाम कर सके, आंखों में शर्म हया होनी चाहिए एक दूसरे की। ऐसी डिवोर्सेज हमारे यहाँ नहीं होती, ऐसी नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली। मार धार गाली, पढ़े लिखे लोग हो गए, अपर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हर जगह ना तू मैं बाल खींच खून बस ये जी, और कोर्ट में गंदा करो। तो विकी को यह करना चाहिए था कि वो वाकई उससे मोहब्बत करता है, मगर इजहार मोहब्बत का गलत था। उसे नूर से मिलना था तो उसके पता था वो आपसे बात कर लेता, सबसे बड़े कि नूर आ रही है तो बाद में बैठ के मुझे थोड़ी देर उसके साथ बात करनी है, तो नादिया वुड यू हेल्प मी आउट। मैं नीचे भी आई तब उसको कहते हाँ। कि अच्छा नादिया तुम ले जाओ।